दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024 और बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2024, यानी बिहार बोर्ड से 10th और 12th पास करने वाले छात्रों का 2024 का स्कॉलरशिप 10,000, 15,000 और 25,000 आने जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाएगा जिनका एप्लीकेशन स्टेटस ये लिख रहा है, यानी कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें। अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में ये चीज़ लिख रहा है तो ही आपका पैसा आएगा। इसलिए पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा सिर्फ इन्हीं बच्चों का जाना है। और पैसा जब जाएगा ना तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उस पर ये SMS आएगा। देखिए ये SMS पर ध्यान से देखिएगा, योर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट का यानी आपके अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिया हुआ है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर आपके किस बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जिनका एक से ज्यादा अकाउंट हो, तो अब उन्होंने कहीं पर अकाउंट तो डाला नहीं, कहीं पर भी आपको मैट्रिक पास या इंटर पास स्कॉलरशिप में जो फॉर्म भरते वक्त आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अकाउंट नंबर आपसे नहीं मांगा गया। तो आखिर आपके किस अकाउंट नंबर में पैसा आएगा वो भी मैं प्रक्रिया चेक करने का बताने वाला हूं। तो यहां पर लास्ट 4 डिजिट रहेंगे अकाउंट नंबर के, और उसके बाद रहेगा क्रेडिटेड फॉर स्कीम मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी बालिका यहाँ पर पूरा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ BA है। और 25,000 यहाँ भेज दिया गया, डेट यहाँ दे दिया जाएगा और यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैसा जब अकाउंट में आएगा तो ये SMS ज़रूर आएगा, आप भले ही अपना बैलेंस चेक करें या ना करें। ये इंटर वालों का मैसेज है। और मैट्रिक वालों का मैसेज जो आएगा इस तरह का आएगा, सेम वही, बस अमाउंट यहाँ पर जो है ना 10,000 रुपया लिखा हुआ रहेगा। जो आप वहाँ पर 25,000 देखें यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ रहेगा, और इंटर पास जो सेकंड डिवीजन है उनका 15,000 लिखा हुआ रहेगा, जो मैट्रिक पास SC ST के सेकंड डिवीजन उनका 8,000 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मैसेज ऐसा ही रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे किस अकाउंट में पैसे आएंगे, हम किस अकाउंट में इंतजार करें, और हमने तो अकाउंट नंबर डाला नहीं, तो फिर किस अकाउंट में पैसे आएंगे ये चेक कैसे करेंगे हम। तो आपको मैं अभी चेक करके लाइव दिखाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि अगर हमने इस बीच में सीडिंग चेंज करा दिया या फिर हमने दूसरा अकाउंट खुलवा लिया तो क्या होगा, तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्कारलेट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहां पर आएगा रिजल्ट उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। और जैसे ही वेबसाइट खुलेगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना, यहां पर इंटर पास स्कॉलरशिप का एक पोस्ट है और उसके नीचे मिल जाएगा आपको मैट्रिक पास। दोनों में से किसी को भी खोलिएगा तो आपको वहां पर अपना आधार से लिंक अकाउंट यानी जिसमें आपका पैसा जाना है वो चेक करने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये चेक कैसे करना है, इसके लिए हम सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जहां पर ढेर सारा लिंक मिलेगा ना आपको, वहीं पर आपको ये अपना अकाउंट जिसमें आपका पैसा आने जा रहा है उस अकाउंट को चेक करने का भी लिंक दिया गया है। पहले तो क्या कीजिए कि अपना स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं है, और यहीं पर एक लिंक मिलेगा आपको आधार सीडेड बैंक अकाउंट देखें, तो यहां पर सिंपली चेक हेयर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जब अगला पेज खुलेगा ना तो यहां पर हम सिंपली क्लिक करेंगे लॉगिन पर, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमसे मांगा जाएगा हमारा आधार नंबर। तो हमें क्या करना है कि अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहां पर कैप्चा जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसी चीज को जैसा है सेम टू सेम, जो कैपिटल में हो कैपिटल में, जो स्मॉल में हो स्मॉल में, उसको डाल देना है। और डालने के बाद सिंपली हमें लॉगिन विद OTP पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहां पर देखिए एक बॉक्स खुल गया इंटर OTP, और हमारे पास OTP भी आ गया 79-12-92। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि OTP डाल देंगे, और OTP डालने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर लॉगिन पर। उसके बाद हमारा अकाउंट हो जाएगा लॉगिन, और लॉगिन के बाद अब हम आगे चेक कर पाएंगे। देखिए ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे हमें यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, हमको सिंपली क्या करना है कि इसी पर क्लिक करना है। तो बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा, और यही पेज आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इसी में जानकारी मिलेगी कि आपका पैसा किस अकाउंट में जाने वाला है। देखिए यहाँ पर आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट है, उसके बाद बैंक नेम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उसी में पैसा जाएगा। भले ही आपके पास PNB क्यों ना हो, बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना हो, बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों ना हो, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपका NPCI से मैप किया हुआ है, यानी आधार सीडेड किया हुआ है, अर्थात आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उसी में पैसा जाएगा। अब रही बात कि मान लेते हैं अगर इसी बीच में हम नया अकाउंट खुलवा लिए, तो नया अकाउंट खुलवाए अगर उसमें आपने सीडिंग करवा लिया अकाउंट खुलवाते ही, तो नया सीडिंग तो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब आपका पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था, नया आपने अगर PNB में खुलवा लिया और अगर सीडिंग भी करवा लिया तो आपका पैसा उसमें जाएगा। और इसी बीच में अगर आपने सीडिंग को चेंज करवा लिया, पैसा आने से पहले अगर आपने अपना बैंक जो है आधार में सीडेड बैंक को चेंज करवा लिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से PNB करवा लिया, बैंक ऑफ इंडिया करवा लिया, तो
जो पेमेंट से पहले जो आपका अकाउंट सीडेड रहेगा उसी में पैसे आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपसे अकाउंट नंबर कहीं पर मांगा नहीं गया है, पूरे इस ऑनलाइन प्रक्रिया में जो आपका जो है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप भरवाया गया उसमें कहीं पर भी आपसे केवल आधार नंबर ही मांगा गया, अकाउंट नंबर मांगा नहीं गया। इसलिए अकाउंट नंबर आपके आधार से जो सीडेड रहेगा उसी में ऑटोमेटिक पैसे चले आएंगे। और सिर्फ यही स्कॉलरशिप का ही नहीं है, जितने प्रकार का सरकारी लाभ मिलता है चाहे सब्सिडी हो किसी चीज़ की या फिर कुछ भी हो, वो सब कुछ आपका इसी में आएगा। केवल आपका लगेगा तो क्या लगेगा, आधार नंबर लगेगा। तो ये तरीका आपको अपनाना है कि आखिर हमारा किस अकाउंट में पैसा आएगा, किस में हम चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि इसको चेक भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होगा, तभी आप ये मैपिंग या फिर आधार सीडिंग चेक कर पाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।